हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डिएरेशन के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है पावर प्लांट का। डिएरेटर जो है, ये हमारे पास तो प्रेशराइज्ड डिएरेटर लगा हुआ है। वैसे दो टाइप के डिएरेटर होते हैं, एक वैक्यूम टाइप होता है और एक प्रेशराइज्ड होता है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो मेरे सामने वीडियो पे जाहिर हो रहा है, ये प्रेशराइज्ड डिएरेटर है। अच्छा, डिएरेटर होता क्या है? सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। सही है, डिएरेटर होता है कि आपके पानी जो कि आप क्या कहते हैं पीछे से फीड कर रहे होते हैं डिएरेटर में, तो उसमें कुछ गैसेस होती हैं और ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे पाइपलाइंस के लिए रस्टेड और इरोजन क्रिएट कर सकती है या उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम इसके ज़रिए वो ऑक्सीजन और इनकंडेंसिबल गैसेस जो है वो इससे निकालते हैं। सही है, वो किस तरीके से निकालते हैं वो प्रोसेस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी इसका एक और काम भी है गाइस, कि ये अपना क्या कहते हैं फीड पंप जो है, जो हमारे फीड पंप है बॉयलर को जो फीड करते हैं, उनको पॉजिटिव सक्शन हेड देता है। सही है, पॉजिटिव सक्शन हेड देता है और ये आपको हमेशा हाइट पे लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका हेड प्रेशर जो है वो फीड पंप का सक्शन बनता है। अब ये आप जो दो टेपिंग देख रहे हैं जो निकल रही हैं, इसमें से ये जा रहा है फीड पंप को सक्शन। ये पानी फीड पंप को लेके जाता है, ये आगे जाके दो लाइनों में डिवाइड हो जाता है। देखिए आप जरा, ये वॉल्व लगा हुआ है मेन आइसोलेटिंग वॉल्व इसका, ये यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक फीड पंप ए को जा रहा है और एक फीड पंप बी को जा रहा है। सही है, तो हमारे पास एक वक्त में एक फीड पंप चल रहा होता है और एक स्टैंड बाय होता है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि ये डिएरेटर ऑक्सीजन और इनकंडेंसेबल गैसेस निकाल के पानी जो है वो फीड पंप के जरिए बॉयलर में फीड करता है। अच्छा, तो गाइज ये अपना कहते हैं डिएरेटर के जो आज हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको उसके बारे में बताएंगे, और इसके अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स किस तरीके से ऑक्सीजन और इनकंडेंसेबल गैसेस को वेंट आउट करते हैं पानी के जरिए या स्टीम के जरिए। सही है, वो आप आगे चल के देखेंगे। चलें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विपमेंट इसको दिखाते हैं। ये डिएरेटर के इंटरनल आपको दिखा रहे हैं हम। तो इंटरनल के अंदर जो हमने येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ये पानी का इनलेट है, और उसके बाद एक रिंग के ऊपर हमने मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर का, ये रीइंफोर्समेंट रिंग है जो कि डिएरेटर को इंटरनल साइड पे ब्लज होने से बचाएगा। उसके बाद ये बैफल है नीचे वाली साइड पे ब्लू कलर में। उसके बाद वर्टेक्स एलिमिनेटर के ऊपर रेड कलर से हमने मार्क किया हुआ है। इसका ये फंक्शन होता है, जब पानी हमारा डिएरेटर से जा रहा होता है तो वो एक भंवर बनाता है, उस भंवर को तोड़ने के लिए हम ये वर्टेक्स एलिमिनेटर यूज़ करते हैं, ताकि पानी स्मूथली उस लाइन के अंदर डिस्चार्ज हो सके। ये डिएरेटर की बैक साइड आपको नज़र आ रही है, ये बैक साइड के अंदर आपको वर्टिकल पाइप्स नज़र आ रहे हैं। ये वर्टिकल पाइप्स भी डिएरेटर में स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो मैंने येलो कलर के मार्क इन पर लगाए हुए हैं। उसके अलावा आपको हॉरिजेंटल एक लाइन नज़र आ रही है, वो भी स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जिस पर ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है, ये हॉरिजेंटल लाइन टर्बाइन की एलपी साइड से एक्सट्रैक्ट की हुई है, और जो येलो कलर की लाइन जो मैंने मार्क की हुई है वो टर्बाइन की एचपी साइड से हमने एक्सट्रैक्ट की हुई है। इसके बाद आपको पीछे एक बैफल प्लेट नज़र आ रही है, ये बैफल प्लेट हमारे डिएरेटर के कोल्ड जोन में लगी हुई है। यहाँ पर हमारे कंडेंसेट जो पंप है पानी मैक्सिमम यहाँ पर फीड करते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि ये जो ठंडा पानी डिएरेटर के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होता, तो जिसकी वजह से पानी की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए बैफल प्लेट लगाई जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने देखी थी ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये बैफल प्लेट्स, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके बाद ये जो आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मल्टीपल पाइप से कनेक्टेड है, और नीचे यहाँ पर इसके ये जाली हैं, मतलब जिस तरह इस पाइप में सुराख हुए हुए हैं हमारे पास, इसी तरह इन तमाम जो कनेक्शन हैं, इन तमाम कनेक्शन पर इसी तरह सुराख है, और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है ये भी स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे डिएरेटर में, और इसी तरह ये जो बीच वाला पाइप है ये भी स्टीम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डिएरेटर में। ठीक हो गया, चले अब हम बाहर चलते हैं, आपको बाहर से इसका डिएरेटर के मुख्तलिफ कनेक्शन जो इसके साथ लगे हुए हैं वो। ये डिएरेटर पर पहले दो कनेक्शन आ गए सेफ्टी वाल्व के, उसके बाद ये आ गया तीसरा प्रेशर गेज का, उसके बाद ये हमारी लाइन आ रही है ड्रेन टैंक से। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारे पास ये जा रहा है प्रेशर स्विच का एक और कनेक्शन नीचे, उसके बाद ये हमारे पास तीन कनेक्शन जा रहे हैं प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर्स के, उसके बाद ये हमारे पास एक और लाइन आ गई पंप की सर्कुलेशन लाइन आ रही है डिएरेटर में, उसके बाद ये हमारे पास अगली लाइन आ रही है
उसके बाद हमारे पास आ गया HP का ये मैनुअल ड्रेन, उसके बाद आ गई ये एक और कनेक्शन है नेक्स्ट वन, ये स्टीम का जो 10 बार की स्टीम लाइन हमने एक्सट्रैक्शन निकाली हुई है टर्बाइन से LP साइड से, और उसके बाद ये हमारे पास आ गए HP हीटर के ड्रेन्स, और उसके बाद हमारे पास ये अगला कनेक्शन आ गया, ये जो वाल हमें नज़र आ रहा है ये फ्लश स्टीम का है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक और आ रही है टर्बाइन से एक्सट्रैक्शन ली हुई है हमने 28 बार की स्टीम की, ये वो है एक्सट्रैक्शन लाइन आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास दो कनेक्शन जा रहे हैं कंडेंसेट पोर्ट्स, जो कि इसके लेवल ट्रांसमीटर्स की पोर्ट्स हैं, उनके दो कनेक्शन हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गई प्रेशर गेज का एक और कनेक्शन आ गया डिलीटर पे। उसके बाद ये एक SS की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन आ रही है हमारी डिमिनलाइज वाटर की लाइन, जब हमें डिलीटर में मेकअप पानी मतलब मेकअप वाटर की ज़रूरत हो तो तब हम इसे सर्विस में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ गई, ये पंप की बैलेंस लाइन आ रही है जो बगैर इंसुलेशन की नज़र आ रही है। उसके बाद ये जो दो छोटी लाइनें आपस में कॉमन हो रही हैं एक जगह पर, ये हमारे डिलीटर के मैनुअल वेंट हैं जो हर वक्त ओपन रहते हैं, और डिएरेशन का प्रोसीजर इन्हीं दो लाइनों के थ्रू होता है। उसके बाद ये हमारे पास ये एक और लाइन आ रही है जो कंडेंसेट पंप्स हैं, जो हॉट वेल से पानी लेकर LP हीटरों से गुजारने के बाद इस पानी को डिएरेटर में फीड करते हैं।